ये जूस कहाँ ले जा रहा भाई? आदर्श साहब के कमरे में। आदर्श, कल से जो नाश्ता है ना पहले मेरे कमरे में आना चाहिए। जी? हम्म, जी हम्म, जी हम्म, ठाट है ना साहब। कहा तो बस्ती के अंदर पानी कम चाय पीते थे और आज ऑरेंज जूस भी फीका लग रहा है। बेटा ये क्या हो गया एक रात? क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे बाबूजी। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बेटी की बैसाखी बना के मैं आपके घर में घुस जाऊंगा। घुसाया ना, तीनों मर्द की जबान। हाँ बताइए, बाबू कितने हैं आपके पास? चार, उसमें से तीन तो मैंने ले लिए, चलिए एक आपको दे दिया। अब बचा आपको ऑफिस, तो मेरे हनीमून से लौटते ही अपना ऑफिस खाली कर देना। इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है? हाँ, आपके सारे क्लाइंट मैं संभालूंगा। आप बुजुर्ग हो गए भाई, अब छोड़िए अपनी जगह, वरना आप जैसे बुजुर्ग तो हम जैसे नौजवानों को तो कुत्ता बना के देवड़ी पे बैठा दे। क्या बात करते, गाड़ियां काफी खड़ी कर रखी है मैदान में इन्होंने अपने। जवानी में काफी रोमांटिक रहे होंगे हमारे ससुर जी। ये गाड़ी तो मैं अपने ऑफिस जाने के लिए रख लूंगा। वाह, ये ले जाऊंगा मैं कभी घूमने फिरने के लिए, अपने सोना डार्लिंग के साथ निकला करूंगा इसमें। अच्छी है का? हाँ, ये गाड़ी मैं अपनी सोना को दे दूंगा और वो मैं दे दूंगा नौकरों को। सब्जियां वब्जियां लाया करेंगे उसमें जाके, इसमें बिचारे। और बाकी बचा हुआ आदर्श, उस साले को तो मैं ऑटो में भेजूंगा। क्या कहा थी थी? भाई साहब पूरे पागल हो गए। हाँ क्या बात है, तैयारियां हो रही है हनीमून पर चलने की? ये इतने सारे कपड़े लेकर क्यों चल रही है? नहीं बाबा, हम हनीमून नहीं, अपने घर जा रहे हैं बस्ती में। अच्छा बस्ती में चल रही हो? तुम बस्ती में रहोगी? तुम बस्ती में क्यों रहोगी? मेरा मतलब है कि तुम वहाँ कैसे रह पाओगी? जैसे तुम रहते हो, और वैसे भी शादी के बाद लड़की का घर उसके पति के घर में होता है। मैं जानती हूँ ना तुम्हें तुम्हारी इज्जत कितनी प्यारी है। तुम थोड़ी ना जीजा जी की तरह यहाँ घर जमाई बन के रहोगे, तुम तो यहाँ घर के दामाद बन के रहोगे ना। Now be a good boy and get ready, okay? क्या घर में देख रहा है और ये क्या देख रहा है? देखो, गुलिस्तान का फूल जो होता है ना, वो रेगिस्तान में कभी पनप नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग यही कहेंगे ना कि मैं घर जमाई बन गया। सुन लूंगा, सह लूंगा मैं तुम्हारे खातिर, तुम्हारे प्यार के खातिर। ए, उस दिन टूटते हुए तारे को देखकर मैंने भीख मन्नत मांगी थी। मैंने मांगा था कि तुम मुझे पति के रूप में मिलो, क्योंकि तुम में हर वो बात है जो एक लड़की अपने पति में ढूंढती है। जिम्मेदारी का एहसास, सच्चाई, ईमानदारी, सब कुछ। बस भगवान ने मेरी सुन ली, और इसलिए जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगी। जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहूंगी, लेकिन तुम्हारे सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करूंगी, ठीक है? ओह कम ऑन, स्माइल बेबी, आई हैव टू पैक, लव यू, बाय। अंकल, आपने सोनू की बहकी हुई बातें तो सुनी होंगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई सन। सोनम कितनी खुशकिस्मत है जो तुम्हारे जैसा पति मिला। उसने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी दौलत, मेरी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। हो, तुम एक सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ मेड इंसान बनना चाहते हो। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि सारी दौलत आदर्श को दे दूं, जायदाद उसको दे दूं और खुद रिटायर हो जाऊं। क्या कि मैंने जिंदगी पानी पियो बेटा, मैंने जिंदगी में इतना काम किया है कि अब मैं चाहता हूँ अपने फार्म हाउस में चला जाऊं, वहाँ आलू उगाऊं, भिंडी उगाऊं, तुम लोगों को अपने हाथ से उगाई हुई ताजी ताजी सब्जी भेजूं। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान तुमको बेटा? कैसा लगा प्लान? कैसा लगा प्लान बताओ ना, मुंह से बोलो ना बेटा। उत्तम, वेरी गुड टू। बाबा जी का टू मिल गया। मैं आती जाती रहूंगी, फोन करती रहना। दीदी देखो ना, सोनू भी जा रही है। क्या? आप सबको छोड़कर जा रही है। इसके बिना घर सुना हो जाएगा ना? बिल्कुल सुना हो जाएगा। डैडी भी बेचारे अकेले रह जाएंगे यहाँ पर। बहुत अकेले हो जाएंगे। कितनी दुख की बात है ना? नहीं, इसमें दुख की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। सोनम अपने पति के घर जा रही है।
सारे इसको निकालने के लिए बेटे। हाय डैड, आप रो रहे हैं? Are you promised you would not cry? I'm not crying. You're crying. I'm not crying. See. Yes, you're crying. Okay, okay, I'm crying. तू एक बात सुन, देख, ये बंगला, ये गाड़ियाँ, ये जायदाद सब मैंने तेरे लिए कमाया है। तू एक बार फिर से सोच ले कि तू यहाँ से ऐसे ही जाना चाहती है या मैं तेरे लिए। नहीं डैड, ये सब तो मेरा पति मेरे लिए फिर ला देगा। उनका तो सपना ही है टू बी लाइक यू। ही वॉन्ट्स टू बी अ सेल्फ मेड मैन। हाँ, यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगूंगी, जरूर मांगू। प्लीज गिव मी अ टाइट हग डैड, विश मी लक। ओह माय बेबी, आई लव यू, विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। बताइए, लोग तो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मेरी बीवी ने मेरे सर पे कुल्हाड़ी दे मारी है। आज तो बुढ़ऊ का आशीर्वाद भी लानत लग रहा है मुझे। क्यों ढाई दिन के सुल्तान, लुट गए तेरी रियासत? बड़ा खुश लग रहा है भी। खुशी की तो बात है, खेल तो तूने बहुत अच्छा खेला, लेकिन अफसोस लास्ट बॉल पे रन आउट हो गया और लगे हाथों मुझे ये सारी दौलत मिल गई। कभी कभी एक पत्ता गलत गिर जाता है, होता है। कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे आउट हो जाता है। बची बात इस दौलत की, तो सोना जैसी प्यार करने वाली लड़की के सदके में मैं इसकी 10 गुना दौलत तू जैसे गरीब की झोली में डाल सकता हूं। और हाँ, जो चीज लेने के लिए मैं यहां आया था वो मैं लिए जा रहा हूं, तेजपाल जी का नाम। और एक बात, मैं शहर में हारने के लिए नहीं, दौलत कमाने के लिए आया हूं। बहुत ही जल्द इस सड़क पर जो सबसे बड़ा बंगला होगा वो राज मल्होत्रा का होगा। जिस बिल्डिंग में तुम्हारा ऑफिस है उसके टॉप फ्लोर के पर जो सबसे बड़ा ऑफिस होगा वो राज मल्होत्रा का होगा। और जो सिग्नल पर सबसे बड़ी गाड़ी रुकेगी वो राज मल्होत्रा की होगी। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि राज मल्होत्रा ये क्वालिटी है राज मल्होत्रा की, जो चीज हासिल करना चाहता है ना भाई हासिल कर लेता है, फिर चाहे कितना भी झूठ बोलना पड़े लेकिन वो भाई पूरा करके ही रहता है। शादी भी हो गई है और बेचारी वो देखो ना उसके सपने, मेरा पति सेल्फ मेड बनेगा, उसको अपने ख्वाब पूरे करने, ये यहाँ से मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये करता है बाबा जी का टुल्लू। कमाल करता है यार। लेकिन ये जो लास्ट में जो डायलॉग मारे ना भाई, ये गुस्से वाला, ये चैलेंजिंग, अगर ये बन जाए ना ईमानदारी से फिर तो और भी पता नहीं क्या क्या कर सकता है। अब तक तो झूठ बोल बोल कर इस स्टेज पर पहुंच गया है, लेकिन अगर खुद से सच्चाई के लिए मतलब एक्सेप्ट कर ले और खुद को मतलब चैलेंज जैसे दे रहा है फिर तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। तो भाई बड़ा मजा आ रहा है और इसके जो सपने थे वो टूट गए। बेचारा बोलता है घर जमाई बन जाऊंगा, लेकिन वो बोलते नहीं भाई बस्ती में ले जाओ। मजा आ रहा है भाई मूवी में, क्या मूवी है। भले ही मुझे लोग घर जमाई के मैं सुन लूंगा, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ रहने दो, तुम भी रहो यहाँ पर तुम वहाँ पर नहीं रह सकती। भाई ये गोविंदा जी बड़ी हथकंडे कर रहा था भाई यार, बड़ी कोशिश कर रहा था यहाँ पर रहने की, पर उसकी बीबी है ना भाई, वो भी बड़ी मासूम है बेचारी, करीब जैसे भी हाल में रखो मैं वहाँ पर रह लूँगी। अरे यार उसका सारा प्लान खराब कर दिया, इतने महीनों से मेहनत कर रहा था तुम्हें बटा रहे थे। तो यार और फिर भाई वो लड़की का बाप जो दाना वकील भाई, वो कह रहा है ये सारी दौलत तुम्हारी है ले जाओ यार, फिर भी यार वो लड़की नहीं मानी। तो यार उसका बाप भी अच्छा था यार, उसको दे रहा था सारी दौलत। बाकी यार गोविंदा जी लास्ट में चैलेंज कर दिया, बातें तो कर देता है फिर भाई वो ही हद करने कर रहा है। बाकी यार मजा आ गया इस पार्ट में, कुराना भी इसकी बातों में आ गया। हाँ यार कुराना भी इसकी बातों में आ गया, कुराना कोई जादू कर देता है, पता नहीं कौन सा इसमें टैलेंट है क्या है भाई, सबको अपने कर देता है। मजा आ गया देखकर, खासकर गोविंदा के जो सपने थे ना बड़े वाले वो टूट गए बेचारे के। सोच रहा था मैं चलो अपने प्रॉपर्टी का दीदार कर लूं, ये गाड़ी है मेरी है, इधर जाऊंगा इधर घूमने जाऊंगा। जैसे अंदर आया सोना ने बोला बाबू चलो बस्ती में चलते, बेचारा बोला ठहर जाएंगे इधर ही घर दामाद वाले। बाकी यार दुख हो गया उसके पूरे के सपना जो पानी में फेर गया। जो वो लंबू सा था उसने बोला ये सारी जायदाद है ना मेरे हाथ आ गई भाई, तू तो गया भाई। गुस्से में जो जवाब दिया भाई, सबसे जो बड़ा वकील है ना मैं बनूंगा, प्रॉपर्टी मेरी होगी, बंगला भी मेरा होगा, वो यार देखने लायक था, मजा आ गया देखकर भाई। हाँ यार इसके ख्वाब बड़े बट क्या करे किस्मत इसकी। हाँ साहब के पेट पर गया आखिर में भाई। हाँ चलो भाई लोग पार्ट एंड हो गया, मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, मूवी को हम कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू।